हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बाइनरी ट्री अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो मैं यहाँ पे थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे फोकस कर रही हूँ। अगर आपको बाइनरी ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके प्लेलिस्ट का और उसके वीडियोज का शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको सभी को रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो सबसे पहला हमारा वीडियो है इंट्रोडक्शन टू बाइनरी थ्रेडेड बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री सबसे पहले हमें पता होना चाहिए और वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट बताने वाली हूँ कि बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बाइनरी इसका मतलब है टू, तो बाइनरी ट्री हैव एटमोस्ट टू चिल्ड्रन। तो मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन होते हैं बाइनरी ट्री को? दो, मैक्सिमम टू चाइल्ड नोड्स विल बी देयर। ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया उसका रूट नोड जिसका इन्फॉर्मेशन पार्ट है ए, और हम उसको बोल सकते हैं कि ए इज अ रूट नोड। उसको दोनों चाइल्ड नोड्स प्रेजेंट है, लेफ्ट चाइल्ड एज वेल एज राइट चाइल्ड। अगर वो दोनों प्रेजेंट है तो उसके लेफ्ट पॉइंटर में लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होगा, राइट पॉइंटर में राइट चाइल्ड का एड्रेस होगा। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये हो गया आपका लेफ्ट चाइल्ड और ये हो गया उसका लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस। तो ये लेफ्ट पॉइंटर में हमने सेव कर लिया। वैसे ही ये है राइट चाइल्ड और ये राइट चाइल्ड का एड्रेस, वो यहाँ पे सेव कर लिया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के बारे में हम सोच रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो उसका लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर जो है वो दोनों का नल है। इसका मतलब है कि ये लीफ नोड है और उसको कोई चाइल्ड नोड अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे क्योंकि ये जो नल फील्ड है इस पर ही हम इस वीडियो सीरीज में वर्क करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है। उसको हम शॉर्ट में TBT बोलते हैं, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब तक आपने देखा कि जो लिंक पार्ट था वो अगर रिप्रेजेंट करना है नल से तो वो कौन से दो सिचुएशन में नल होता है। तो जहां तक कि नल का सवाल है, तो फॉर एवरी नोड, अगर उस नोड को सिंगल चाइल्ड है तो जो चाइल्ड नोड अवेलेबल है उसमें तो चाइल्ड नोड का एड्रेस आ जाएगा, पर जो दूसरा चाइल्ड नोड अवेलेबल नहीं है वहां पे नल होता है। और अगर लीफ नोड है, यानी कि दोनों चिल्ड्रन अवेलेबल नहीं है, तो दोनों के लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर में नल एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने भी लास्ट स्लाइड में देखा था वही एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि बता रहा है हमें नो चाइल्ड के बारे में। तो यहाँ पे अगर चाइल्ड नहीं है, दोनों भी लेफ्ट एंड राइट नहीं है, यानी कि ये लीफ नोड है, तो उसके लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर में हो जाता है नल। तो ये जो नल है, अभी इसके बारे में हमें सोचना है कि ये हमें कैसे यूज करना है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि अगर ये नल पॉइंटर है, नल सेव करने के लिए हम मेमोरी यूटिलाइज कर रहे हैं। नल मतलब नथिंग, तो नथिंग जो कुछ है ही नहीं, उसे सेव करने के लिए हमें मेमोरी यूटिलाइज क्यों करनी है, ये हो गया वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी हमें कम करने के लिए थ्रेडेड बाइनरी ट्री का यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें थ्रेडेड बाइनरी ट्री कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री जो है वो रीयूज करता है आपके एम्प्टी और नल पॉइंटर्स को और लिंक्स को By making some threads। तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको बताने वाली हूँ कि ये जो null pointer है उसके वजह हम यहाँ पे उसके parent का address दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, null pointer replace हो जाएगा a और root node और parent node के address से। तो हमें null के लिए जो memory waste हो रही थी वो हम utilize कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर मुझे ट्री ट्रैवर्स करना है,
अगर मुझे डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल करना है तो मुझे क्या होता है, मुझे डेप्थ में जाके फिर से हायर लेवल पे रिटर्न आना होता है, और वो रिटर्न आने के लिए हमारे पास कोई बैकलिंक नहीं होता है, उसके लिए हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है। आइदर रिकर्शन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें इनबिल्ट स्टैक होता है, रिकर्शन नहीं यूज कर रहे हो तो हमें स्टैक इम्प्लीमेंट करना होता है। ये सारी चीजें मैंने ट्रैवर्सल के एग्जाम्पल में एक्सप्लेन की हुई है, अगर वो आपको पता नहीं है तो उसका भी शॉर्टकट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसे भी देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, वो हमें जो बैक ट्रैकिंग करना है, मतलब कि चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड को मूव करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहे थे वो हम रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि अभी थ्रेड जो है वो हमारी हेल्प कर लेगा, थ्रेड से हम डायरेक्टली जंप कर पाएंगे चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड को मूव होने के लिए। तो ये हमें बहुत मदद करने वाला है। और उसका और एक फायदा जो है कि जो हम नल पॉइंटर्स के लिए मेमोरी वेस्ट कर रहे थे वो रीयूटिलाइज हो जाएगा। तो जो कि मैंने अभी बातें एक्सप्लेन की एडवांटेजेस, वही हम एक एक करके देख रहे हैं। तो इट रीयूटिलाइजेस द एम्प्टी और नल लिंक्स, जबकि हम थ्रेड बना रहे हैं तो वो थ्रेड हम एम्प्टी और नल लिंक जहां जहां पे होगा वहीं पे हम थ्रेड बनाने वाले हैं, इसलिए जो है वेस्टेज ऑफ मेमोरी होने वाला था वो रीयूज हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है, थ्रेडेड्स आर हेल्पफुल फॉर लीनियर एंड फास्ट ट्रैवर्सल ऑफ द ट्री विथ लेस एफर्ट्स। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड पे बोला था कि अगर हमें चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड को मूव होना है वाइल ट्रैवर्सिंग अ बाइनरी ट्री, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स और लेने पड़ते थे, और वहाँ पे हमें स्टैक की हेल्प लेनी पड़ती थी, जबकि रिकर्सिव हो या नॉन रिकर्सिव हो तो वो हमारे एफर्ट्स यहाँ पे कम होने वाले हैं। और जो तीसरा है वही कि हम विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक हम ट्री ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके तीनों एडवांटेजेस। पर कैसे होता है ना, अगर एडवांटेजेस है तो कई डिसएडवांटेजेस भी तो हो सकते हैं, तो चलो देख लेते हैं कि कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। जहां पे हम एम्प्टी और नल लिंक के बारे में बात कर रहे थे, एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। अभी आपको जैसे कि मैंने बोला कि नल पॉइंटर सेव करने के लिए जो मेमोरी वेस्ट हो रही थी वो हम रीयूज करेंगे, पर वो रीयूज करते टाइम हमें एक्स्ट्रा मेमोरी यूटिलाइज करनी है टू आइडेंटिफाई कि जो कि हम लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर में सेव कर रहे हैं वो उसके चाइल्ड नोड का एड्रेस है या पेरेंट नोड का थ्रेड है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्स्ट्रा बिट यूज करेंगे, तो उसके लिए लिटिल बिट एक्स्ट्रा मेमोरी लगने वाली है। तो ये हो गया छोटा सा एक पहला डिसएडवांटेज। अभी दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो कि हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे, वो इंसर्शन ऑपरेशन हो या डिलीशन ऑपरेशन हो, वो जो अल्गोरिदम है वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं वहां, क्योंकि वहां पे हमें थ्रेड्स मेंटेन करने होते हैं। आपको इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन ऑन बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री वो तो पता है, वो तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि थ्रेड्स भी मेंटेन करने हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इस अल्गोरिदम का बढ़ने वाला है। और जो तीसरा है वो जैसे कि आपने अपने अभी देखा कि थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होने वाला है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो ये हो गया आपका थर्ड डिसएडवांटेज। पर अगर ये तीनों डिसएडवांटेजेस को हम थोड़ा सा इग्नोर कर लेते हैं तो यही थ्रेडेड बाइनरी ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री, तो अभी स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री, अ सेकेंड वीडियो ऑफ दिस वीडियो सीरीज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है। जहाँ तक कि थ्रेड का सवाल है वो हम क्रिएट करने वाले हैं नल, जहाँ पे नल पॉइंटर होता है हर एक नोड में, उसको रिप्लेस करके हम थ्रेड बनाने वाले हैं। तो नल कहाँ कहाँ हो सकता है, तो सबसे पहले अगर नोड को सिंगल चाइल्ड नोड अवेलेबल है तो जो दूसरा नोड चाइल्ड नोड नहीं है वहाँ पे नल होता है,
और अगर नोड को दोनों भी चाइल्ड नोड अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो लीफ नोड है, तो वो दोनों लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर की जगह पे नल होता है। तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल। जो बी है और सी है, दोनों जो नोड है वो लीफ नोड है, तो उसका लेफ्ट पॉइंटर आप देख सकते हो, बी का लेफ्ट पॉइंटर, बी का राइट पॉइंटर नल है। वैसे ही सी का लेफ्ट पॉइंटर एज वेल एज सी का राइट पॉइंटर भी नल है। तो जहां जहां पे नल होता है वो हम रिप्लेस करने वाले हैं थ्रेड से। तो उसके हिसाब से टाइप्स होते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री के। सबसे पहला जो टाइप होता है वो सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री, और जो सेकंड टाइप है वो होता है फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे। अगर हम सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री के बारे में सोच रहे हैं तो उसके सब दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री, जहाँ पे सिर्फ लेफ्ट थ्रेड अवेलेबल होता है। और जो दूसरा टाइप है वो होता है राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री, जहाँ पे सिर्फ राइट थ्रेड अवेलेबल होता है। तो ये तो हो गए उसके नेमेनक्लेचर कि कौन कौन से सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री होते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि एक्चुअल में सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है। तो जहां पे अगर लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है वहां पे नल पॉइंटर है, राइट? लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो वो नल पॉइंटर है। तो जो वो नल पॉइंटर है वो हमें क्या करना है, हमें वो रिप्लेस करना है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से। इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से हमें वो रिप्लेस करना है। और लेट्स फोकस ऑन अ राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अभी राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री में क्या होता है, राइट चाइल्ड अगर नहीं है किसी नोड को, अगर राइट चाइल्ड नहीं है इसका मतलब है कि वो नल है। तो वही नल हमें रिप्लेस करना है इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री विद द थ्रेड। तो वो थ्रेड क्या होगा, तो वो जो राइट पॉइंटर है विल पॉइंट टू इन ऑर्डर सक्सेसर। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि अगर हमें लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाना है तो उस केस में लेफ्ट चाइल्ड नहीं होगा, और वो जो लेफ्ट चाइल्ड नहीं है मतलब कि वहां पे नल पॉइंटर है, वो नल पॉइंटर हमें इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से रिप्लेस करना है। लेफ्ट है तो प्रीडिसेसर है। अगर राइट चाइल्ड का नोड और राइट चाइल्ड नहीं है और वहां का नल हमें रिप्लेस करना है तो वो हमें सक्सेसर से रिप्लेस करना है। आई रिपीट, अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और नल पॉइंटर हमें रिप्लेस करना है तो हम इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से वो रिप्लेस करेंगे। और अगर राइट चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब है राइट पॉइंटर में नल है, तो वो नल हमें रिप्लेस करना है इन ऑर्डर सक्सेसर से, राइट? अगर लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री इंप्लीमेंट करना है तो प्रीडिसेसर हमें यूज करना है, अगर राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री हमें इंप्लीमेंट करना है तो हमें इन ऑर्डर सक्सेसर यूज करना है। सो इन बोथ द केसेस इफ नो सक्सेसर और प्रीडिसेसर इज प्रेजेंट, ऐसे हो सकता है ना कि अगर एक नोड है मेरे पास जिसका, जो कि फर्स्ट नोड है हमारे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, इसका मतलब कि उसका प्रीडिसेसर है ही नहीं। और अगर एक ऐसा भी नोड है जो कि लास्ट नोड है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का, उसका सक्सेसर कोई नहीं है, तो ये दोनों केस में हमें क्या करना है, ये दोनों केस में हमें इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रीडिसेसर की बजाय हमें उसको हेडर नोड को पॉइंट करना है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। ये हो गया आपका लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री का एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका रूट नोड, ये हो गया आपका हेडर नोड। हेडर में क्या होता है, आपके रूट नोड का ही एड्रेस होता है। अभी ये 56 को क्या है, दोनों चाइल्ड नोड अवेलेबल है इसलिए हमें कोई अपडेट नहीं करना है। 23 को भी लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड दोनों चाइल्ड नोड अवेलेबल है, बट 20 को अभी क्या है, जो सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है जो है 12। अभी 20 को लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है, वहां पे नल नहीं है, पर अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 को लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ लेफ्ट थ्रेड के बारे में फोकस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। राइट पॉइंटर नल है या नहीं वो हम देख नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल थ्रेड के बारे में बातें कर रहे हैं, राइट? हमें दोनों के बारे में सोचना नहीं है। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी पे फोकस कर रहे हैं
तो सिर्फ लेफ्ट पॉइंटर में अगर नल है तो वो हमें इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हमें ये इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करने ते आना चाहिए। अगर आपका ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री आपको पता नहीं है तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्रोवाइड कर रही हूँ कि ट्रैवर्सल जो होता है बाइनरी ट्री का स्पेसिफिकली इन ऑर्डर वो क्या होता है, उसके पूरे वीडियो सीरीज का मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आप देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले इसको इन ऑर्डर ट्रैवर्स कर लेते हैं। तो इन ऑर्डर मतलब क्या होता है, लेफ्ट नोड देन अ रूट नोड देन अ राइट नोड। तो लेफ्ट है 12, देन रूट नोड 20, इसका रूट नोड 23, देन 30, देन 56, उसके बाद यहाँ पे नीचे आके वो 85 और 89। तो आप देख सकते हो 12th वॉज माई फर्स्ट नोड, तो उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर अवेलेबल है नहीं। तो लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था, अगर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर प्रेजेंट नहीं है तो वो उसका थ्रेड हमें कहाँ पे पॉइंट करना है, हेडर नोड को। तो इसने पॉइंट कर लिया हेडर नोड को। अभी 20 को लेफ्ट पॉइंटर में नल नहीं है तो इसके बारे में हमें सोचना नहीं है, 23 के लेफ्ट पॉइंटर में भी नल नहीं है तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 30, 30 के लेफ्ट पॉइंटर में नल है क्योंकि उसको लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, इसीलिए 30 के लेफ्ट पॉइंटर का नल हम रिप्लेस कर लेंगे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से। तो 30 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या है, वो है 23, इसलिए 30 के लेफ्ट पॉइंटर का नल हम रिप्लेस करेंगे 23 के एड्रेस से। ये हो गया आपका थ्रेड। अभी आगे जाते हैं, 56 को लेफ्ट पॉइंटर अवेलेबल है, 89 को भी लेफ्ट पॉइंटर अवेलेबल है और 85 को लेफ्ट पॉइंटर अवेलेबल नहीं है जो कि नल है, लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है इसलिए वो नल है। तो वो नल हमने रिप्लेस कर लिया इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से। अभी 85 का प्रीडिसेसर क्या है, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर वो है 56, इसलिए 56 का एड्रेस हमने 85 के लेफ्ट पॉइंटर में हमने स्टोर कर लिया और वो हो गया आपका थ्रेड। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया है कि लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है। उसी तरह पे हम देखते हैं राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। द डिफरेंस ओनली इज दैट अगर राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री है तो हमें सिर्फ राइट पॉइंटर पे फोकस करना है, अगर वो नल है तो वो नल वैल्यू हमें इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस करना है। तो सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूं, जहां तक कि आपको देखना है कि अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मैंने अभी यहाँ पे करके दिखाया था, वही इन ऑर्डर रिवर्सल यूज करके हमें सिर्फ अगर 12 का राइट पॉइंटर नल है तो वो रिप्लेस कर लिया मैंने इन ऑर्डर सक्सेसर से, 20 का राइट पॉइंटर नल है वो भी मैंने रिप्लेस कर ही लिया उसके इन ऑर्डर सक्सेसर दैट इज 23 से, 23 का राइट पॉइंटर नल नहीं है, उसको राइट चाइल्ड अवेलेबल है तो वो हम रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि वो नल नहीं है। 30 का राइट पॉइंटर नल है इसलिए वो हमने रिप्लेस कर लिया उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से, मतलब कि 56 के एड्रेस से। उसमें आगे जाके हमें जो 89 है उसका, सॉरी पहले हम 85 देख लेते हैं, 85 का राइट पॉइंटर नल है वो भी रिप्लेस कर लिया हमने उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से, 89 का भी राइट पॉइंटर नल है क्योंकि राइट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, पर 89 हमारा लास्ट नोड है इन ऑर्डर रिवर्सल में, उसका कोई सक्सेसर नहीं है। तो जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था वैसे ही अगर इन ऑर्डर सक्सेसर हमारा अवेलेबल नहीं है तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे हेडर नोड को पॉइंट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो हेडर नोड को पॉइंट कर लिया। तो ये हो गया आपका राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो ये हो गया इन डिटेल आपका सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अभी हम फोकस करते हैं फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे। अगर ये हमारा फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री है तो इसका मतलब है जहां पे नल फील्ड है लेफ्ट पॉइंटर में तो वो जो लेफ्ट पॉइंटर का नल है वो हम रिप्लेस कर लेंगे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से। उसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि राइट पॉइंटर में भी अगर नल है तो वो हमें रिप्लेस करना है इन ऑर्डर सक्सेसर से। ये तो हमने लास्ट स्लाइड में ही देख लिया था कि अगर लेफ्ट पॉइंटर नल है
तो हमें इन ऑर्डर प्रेडिसेसर यूज करना है, राइट पॉइंटर नल है तो हमें इन ऑर्डर सक्सेसर यूज करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री, वहां पे हम आइदर लेफ्ट पॉइंटर अपडेट कर रहे थे और राइट पॉइंटर अपडेट कर रहे थे। यहाँ पे जो है वो फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री है, इसलिए हमें दोनों के बारे में सोचना है। अगर किसी एक नोड का लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर दोनों भी नल है तो हमें दोनों के बारे में सोच के उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर से उसको रिप्लेस करना है दोनों को, इसलिए ये हो गया आपका फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अभी इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन तो आएगा ही ना, जैसे कि लास्ट टाइम आया था कि अगर सक्सेसर और प्रीडिसेसर अवेलेबल है ही नहीं तो हमें क्या करना है। तो पिछली तरह से हमें करना है कि उसको अगर सक्सेसर नहीं है तो भी हमें हेडर नोड को पॉइंट करना है, प्रीडिसेसर नहीं है तो भी हमें वो हेडर नोड को पॉइंट करना है। तो चलो देख लेते हैं कि उसका एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल थ्रेडेड फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री का देख सकते हो, वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओनली द डिफरेंस इज दैट आपको सभी लेफ्ट थ्रेड जो है वो ब्लू कलर में दिखाई देंगे और जो सभी राइट थ्रेड है वो रेड कलर में दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल 30 जो नोड है उसको, वो जो लीफ नोड है उसको लेफ्ट पॉइंटर भी नहीं है राइट पॉइंटर भी नहीं है, दोनों नल थे। तो उसी नल को हमने 30 के लेफ्ट पॉइंटर के नल को हमने 30 के इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से रिप्लेस कर दिया, 30 के राइट पॉइंटर को हमने इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर लिया। सेम सिचुएशन है 85 के साथ, पर अगर आप अभी देख सकते हो 20 नोड 20 उसको लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है पर राइट चाइल्ड नल था, वही नल राइट चाइल्ड है इसलिए राइट चाइल्ड के नल को इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर लिया, राइट। और यहाँ पे 12 का भी आप देख सकते हो जो कि वो लीफ नोड है, अभी इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नहीं है इसलिए उसको हेडर को पॉइंट कर लिया और राइट पॉइंटर नहीं है इसलिए उसको इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर दिया। और अभी देखते हैं 89 को, अगर 89 के बारे में हमें सोचना है तो 89 का लेफ्ट पॉइंटर तो नल नहीं है क्योंकि उसको लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है पर राइट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है जो कि पहले नल था वो रिप्लेस कर लिया इन ऑर्डर सक्सेसर से। पर यहाँ पे आप देख सकते हो 89 वॉज द लास्ट नोड वाइल ट्रैवर्सिंग अ ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो सक्सेसर प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए हमें क्या रेमेडी करनी है, 89 को हमें रिप्लेस करना है उसके हेडर से, 89 के राइट पॉइंटर को हमें रिप्लेस करना है उसके हेडर नोड से, तो वो हमने नल को रिप्लेस कर लिया हेडर नोड से। तो ये हो गया आपका फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ये हो गया आपका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। पर अगर हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है तो हमें सोचना होगा कि उसका नोड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री है उसका नोड स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी आप सभी ने देखा कि उसके दो टाइप्स होते हैं, अ लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री एंड अ राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री में हमें सिर्फ लेफ्ट थ्रेड अपडेट करना है, इसलिए इतना तो आपको पता है कि अगर ये बाइनरी ट्री है तो उसके ये 3 फील्ड्स होते हैं, अ डेटा फील्ड, इट्स लेफ्ट पॉइंटर एंड अ राइट पॉइंटर। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ पे ऐड होता है, वो होता है एल फ्लैग, दैट इज की लेफ्ट फ्लैग। ये फ्लैग नोड जो फ्लैग वेरिएबल जो होता है और फील्ड जो होता है वो हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो लेफ्ट पॉइंटर है उसमें एड्रेस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड है या एड्रेस ऑफ इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है। इसका मतलब है कि लेफ्ट पॉइंटर में चाइल्ड नोड का एड्रेस है या उसमें थ्रेड का एड्रेस है। तो ये जो फ्लैग वेरिएबल होता है वो बुलियन टाइप का होता है और वो हमें हेल्प करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू उसमें स्टोर करके, वो डिटेलिंग हम बाद में देखते हैं। अभी अगर राइट है तो यहाँ पे सिर्फ आर फ्लैग जो वेरिएबल है वो एडिशन में आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट डेटा एंड राइट वो तो जनरल हो गया आपका थ्रेडेड बाइनरी ट्री का नोड। यहाँ पे राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री ये है इसलिए हमें आर फ्लैग
का वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा यूज करना है, जो कि हमें हेल्प करेगा कि राइट फील्ड में, राइट पॉइंटर के फील्ड में एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड है या एड्रेस ऑफ इन ऑर्डर सक्सेसर है। ये हो गया आपका सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अभी सोचते हैं कि अगर हमारे हमें फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री इम्प्लीमेंट करना है तो उसका नोड स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये जो फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री है उसका नोड स्ट्रक्चर जो है, वहां पे हमें एल थ्रेड एज वेल एज आर थ्रेड, ये दोनों हमें यूज करने हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री है। तो ये हो गया उसका नोड स्ट्रक्चर। और उसको अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें वो कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रक्ट नोड को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है। ये तो आपको पता ही है कि नोड स्ट्रक्चर का लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर वो होता है, वो पॉइंटर टाइप वेरिएबल होता है, क्योंकि वो एड्रेस होल्ड करने वाला है। और जो इन्फॉर्मेशन पार्ट होता है, डेटा फील्ड जो होता है, वो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया है। यहाँ पे हम फोकस करते हैं ये जो एक्स्ट्रा फील्ड है एल थ्रेड एंड आर थ्रेड। अभी वो जो लास्ट स्लाइड पे मैंने बोला था उसका डेटा टाइप जो है वो होता है बुलियन डेटा टाइप, क्योंकि हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू उसमें स्टोर करनी है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कमेंट में बोला है कि अगर इसका वैल्यू ट्रू है, ट्रू कब होता है, जबकि लेफ्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, क्योंकि ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड वेरिएबल जो है उसमें अगर थ्रेड की वैल्यू होती है, मतलब कि इन ऑर्डर प्रीडिसेसर एल थ्रेड, एल में क्या होता है ऑलवेज प्रीडिसेसर, राइट, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, तो अगर ये थ्रेड में इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मतलब कि थ्रेड है, थ्रेड टू द इट्स प्रीवियस लेवल, तो ये होता है ट्रू। और वाइस वर्सा ये फॉल्स कब होता है, बुलियन वेरिएबल एल थ्रेड फॉल्स कब होता है, जबकि इस लेफ्ट पॉइंटर में उसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होता है, राइट। आपको ये ध्यान में रखना है कि एल थ्रेड और आर थ्रेड ये जो दोनों है, यहाँ पे ये जो एल थ्रेड है वो वर्क होगा लेफ्ट पॉइंटर के साथ और आर थ्रेड वर्क होगा राइट पॉइंटर के साथ। राइट और लेफ्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू है उससे हमें डिसाइड करना है एल थ्रेड और आर थ्रेड का वैल्यू। यहाँ पे अगर लेफ्ट पॉइंटर में लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस है तो ये थ्रेड वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा, और साइमल्टेनियसली लेफ्ट पॉइंटर में अगर इसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर का एड्रेस है तो एल थ्रेड हो जाएगा ट्रू। वैसे ही अगर राइट पॉइंटर में उसके इन ऑर्डर सक्सेसर का एड्रेस है, यहाँ पे मैंने लिखा है इन ऑर्डर सक्सेसर का राइट पॉइंटर में एड्रेस है, तो ये आर थ्रेड बुलियन का वैल्यू हो जाएगा ट्रू। और वाइस वर्सा इफ दिस राइट पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड, तो ये आर थ्रेड का वैल्यू आपका फॉल्स हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया है कि नोड स्ट्रक्चर ऑफ फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है। अब हम मूव होते हैं मेन थीम ऑफ दिस वीडियो इज ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन ऑन थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री। फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री मतलब द लेफ्ट पॉइंटर नल अगर उसमें होता है तो वो हम रिप्लेस करते हैं इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से, और जो राइट पॉइंटर होता है वो भी अगर नल है तो वो रिप्लेस करते हैं हम इन ऑर्डर सक्सेसर से। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री हम तीन तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है इन ऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री, दूसरा है प्री ऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री, एंड तीसरा है पोस्ट ऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री, जिसमें से हम फोकस करने वाले हैं इन ऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी पे। अभी जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था वो भी विथ रिस्पेक्ट टू इन ऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री था, इसलिए हम इन ऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है इंसर्शन ऑपरेशन। अभी आप सभी को पता है कि अगर बाइनरी ट्री है और बाइनरी सर्च ट्री है उसमें हम इंसर्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वही सारी स्टेप्स हमें यहाँ पे भी फॉलो करनी है। ओनली द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे हमें थ्रेड्स भी मेंटेन करने हैं,
और थ्रेड्स के साथ जो थ्रेड का फ्लैग होता है उसे भी हमें मेंटेन करना है। ये दो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन में मेंटेन करनी है। वैसे ही हमें डिस्प्ले ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट करना है। अभी जैसे कि आपने एडवांटेजेस ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री लास्ट वीडियो में देखे होंगे, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिस्प्ले परफॉर्म करने के लिए, उसका मतलब है ट्रैवर्सल करने के लिए, ट्री ट्रैवर्स करने के लिए, अगर ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री है तो वो बहुत इजी हो जाता है। तो वो कैसे इजी होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। और थर्ड ऑपरेशन जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं वो है डिलीशन ऑपरेशन। तो डिलीशन, जैसे कि इंसर्शन में हमें थ्रेड्स और उसका थ्रेड फ्लैग मेंटेन करना है हर एक इंसर्शन के बाद, वैसे ही हर एक एलिमेंट के डिलीशन के बाद हमें थ्रेड और उसका फ्लैग भी हमें फिर से यहाँ पे भी मेंटेन करना है। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऑपरेशंस ऑन थ्रेडेड बाइनरी ट्री। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फुली थ्रेडेड बाइनरी ट्री, जिसमें से हम इनऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे फोकस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन है इंसर्शन ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन है डिस्प्ले ऑपरेशन, और जो तीसरा ऑपरेशन है वो है डिलीशन ऑपरेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इंसर्शन ऑपरेशन से। इस वीडियो में मैं आपको इंसर्शन ऑपरेशन के बारे में डिटेल जानकारी देने वाली हूँ। तो इन ऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे इंसर्शन ऑपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंसर्शन ऑपरेशन जो कि हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो हमें ये याद रखना है कि इट इज जस्ट सिमिलर टू द इंसर्शन ऑपरेशन ऑन अ बाइनरी ट्री और अ बाइनरी सर्च ट्री। तो वो जो इंसर्शन है, इंसर्शन ऑपरेशन है जिसमें से हम एक 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 एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हैं, तो वो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। वो है टू एडजस्ट द थ्रेड्स। थ्रेड्स एडजस्ट करने के साथ साथ हमें थ्रेड फ्लैग भी एडजस्ट करना होता है, अपडेट करना होता है, और वो हमें करना है आफ्टर इंसर्शन ऑफ एवरी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के बाद हमें ये अपडेट करना होता है। और इस वीडियो सीरीज में मैं बाइनरी सर्च ट्री कंसिडर कर रही हूँ एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि उसके इंसर्शन के रूल्स हमें पता है। अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री नहीं पता है और उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए उसका पूरा वीडियो सीरीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले वो आप देख लीजिए और फिर ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करनी है इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उस स्टेप से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से केसेस हमें हैंडल करने हैं। तो सबसे पहला केस है अगर हमें फर्स्ट नोड जो इंसर्ट करना है वही रूट नोड है, मतलब कि हमारा ट्री अभी एम्प्टी है और हमें जो फर्स्ट नोड इंसर्ट करना है, तो उस टाइम हमें कौन कौन सी केयर लेनी पड़ेगी। दूसरा केस हमें क्या पढ़ाता है, क्या सिखाता है कि अगर हमें न्यूली इंसर्टेड नोड जो इंसर्ट करना है वो एज अ लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट करना है, और अगर हमें न्यू नोड इंसर्ट करना है वो एज अ राइट चाइल्ड इंसर्ट करना है। ये तीन अलग अलग केसेस हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं कि अगर हमें फर्स्ट नोड हमारी बाइनरी ट्री में, थ्रेडेड बाइनरी ट्री में इंसर्ट करनी है, तो हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो चलो देखते हैं स्टेप्स उसके लिए। तो सबसे पहले है जो कि हमें नया नोड इंसर्ट करना है इन एम्प्टी ट्री, तो उस केस में हमें क्या करना है, बोथ लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स जो कि होते हैं उस नए नोड के, ऑफ द न्यू नोड, विल सेट टू द हेडर नोड। क्योंकि आपको पता है इन अ थ्रेडेड बाइनरी ट्री इन ऑर्डर प्रेडिसेसर नहीं है, तो उसे हमें हेडर नोड को पॉइंट करना है। इन ऑर्डर सक्सेसर भी नहीं है अगर किसी नोड को, तो वो भी हमें हेडर को पॉइंट करना है। तो अगर हमें फर्स्ट नोड इंसर्ट करना है अपनी थ्रेडेड बाइनरी ट्री में, तो ऑब्वियसली ना उसका कोई प्रेडिसेसर रहेगा ना उसका कोई सक्सेसर रहेगा। इसके लिए हमें वो दोनों लेफ्ट थ्रेड एंड राइट थ्रेड हमें पॉइंट करने हैं इंस्टेड ऑफ
पुटिंग नल वैल्यू, क्योंकि थ्रेडेड बाइनरी ट्री जो होता है वो नल फ्री होता है, तो वो नल वैल्यूज रिप्लेस होगे इन ऑर्डर प्रीडेसेसर एंड इन ऑर्डर सक्सेसर, दे आर द हेड नोड इन केस ऑफ द फर्स्ट और अ रूट नोड। तो जो नया नोड होगा उसको ही हम रूट नोड बोल देंगे। उस न्यू नोड के लेफ्ट पॉइंटर में क्या होगा, एड्रेस ऑफ हेडर नोड। उसी नोड के राइट पॉइंटर में क्या होगा, एड्रेस ऑफ अगेन हेडर नोड, क्योंकि इसका इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रीडेसेसर अवेलेबल नहीं है। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि ये सिंगल नोड है और वही रूट नोड है, उसका ही एड्रेस हेडर में रहेगा और उसके लेफ्ट पॉइंटर में भी खुद का एड्रेस रहेगा, राइट पॉइंटर में भी खुद का एड्रेस रहेगा। अभी ये अपडेट करने के बाद हमें क्या करना है, थ्रेड फील्ड जो होगा हर एक नोड का, उस नोड का जो न्यू नोड है वो भी हमें ट्रू करना है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे थ्रेड जो है वो पॉइंट कर रहा है हेडर से, वहां पे लेफ्ट और राइट चाइल्ड का एड्रेस नहीं है। अगर चाइल्ड होता है तो थ्रेड फील्ड फॉल्स होता है, अगर थ्रेड होता है तो थ्रेड फील्ड ट्रू होता है। इसलिए हमें न्यू नोड का एल थ्रेड और आर थ्रेड दोनों जो बुलियन वेरिएबल्स है वो हमें ट्रू करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका डिक्लेरेशन पता नहीं है कि नोड डिक्लेयर हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री में कैसे करते हैं, तो वो मैंने सेकेंड वीडियो ऑफ दिस वीडियो सीरीज जो की है टाइप्स ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री, उसमें एक्सप्लेन किए हुए है। आपके लिए मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर पे उसका लिंक दे रही हूँ, शॉर्टकट लिंक, उसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, तो आप वो देख सकते हो। अभी ये हो गया अगर हमें फर्स्ट नोड इंसर्ट करना है एज अ रूट नोड। अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि एज अ लेफ्ट चाइल्ड न्यू नोड हमें इंसर्ट करना है एज अ लेफ्ट चाइल्ड, तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है। तो चलो देखते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ न्यू नोड एज अ लेफ्ट चाइल्ड। अभी अगर हमें लेफ्ट चाइल्ड करना है तो हमें क्या अपडेट करना होता है। After inserting the node as its proper place, that is left child in this case, क्योंकि हम left child वाला case highlight कर रहे हैं, तो हमें threads हम वैसे ही update करने ही है। तो अगर left है तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा याद रखना है कि for the left thread, in order predecessor उसके left pointer में update करना है, और right thread में हमें क्या करना है, in order successor respectively। तो हम जो न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली उसके लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर में नल वैल्यू होगी, क्योंकि ये नया नोड है जो कि हमें पता है। तो इंस्टेड ऑफ नल वैल्यू हमें क्या रखना है, उसके लेफ्ट पॉइंटर में इन ऑर्डर प्रीडेसेसर आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और राइट पॉइंटर में उसका इन ऑर्डर सक्सेसर आ जाएगा, क्योंकि वो थ्रेड है, यहाँ पे मैंने लिखा है लेफ्ट थ्रेड एंड राइट थ्रेड। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, ये सारे जो लेफ्ट प्रीडेसेसर लेफ्ट पॉइंटर में लेफ्ट इन ऑर्डर प्रीडेसेसर राइट पॉइंटर में इन ऑर्डर सक्सेसर जो अपडेट करना है, उसके साथ साथ हमें थ्रेड फील्ड भी अपडेट करना है। तो चलो देखते हैं कि ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं। अभी मान लो हमारे पास ये ट्री ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये है बाइनरी सर्च ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री है, पर हमने यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री के रूल्स अप्लाई किए हुए हैं। अगर हमें नया नोड एज अ 15 इंसर्ट करना है तो इसमें क्या करना होगा, 15 कहाँ पे जाएगा, आप देख सकते हो 15 18 के लेफ्ट चाइल्ड एज अ लेफ्ट चाइल्ड अटैच होगा, वही हम देख रहे हैं, अटैच एज अ न्यू नोड एज अ लेफ्ट चाइल्ड, तो ये 18 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये 15 को एज अ लेफ्ट चाइल्ड हमें अटैच करना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, लेफ्ट एंड राइट थ्रेड ऑफ द न्यू नोड विल बी क्या होंगे, मैंने अभी आपको बताया था वो होंगे इन ऑर्डर प्रीडेसेसर एंड इन ऑर्डर सक्सेसर। तो आप थोड़ा सा सोच लो, ये अगर ट्री को हम इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर लेते हैं तो 15 का इन ऑर्डर प्रीडेसेसर क्या होगा और इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा। तो चलो इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हैं, तो ये हो गया 2, 12, देन 15 आएगा, देन 18, तो 15 का प्रीडेसेसर क्या है 12 और 15 का सक्सेसर क्या होगा 18, तो वही हमें यहाँ पे अपडेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 15 का प्रीडेसेसर 12, वो आपको एड्रेस कहाँ से मिलेगा, ये जो 15 का पेरेंट होने वाला है
उसका लेफ्ट पॉइंटर आप यहाँ पे देख सकते हो, पेरेंट का लेफ्ट में जो एड्रेस है वही हम न्यू नोड का लेफ्ट ले लेंगे, क्योंकि वो हो गया आपका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। और सक्सेसर क्या है, पेरेंट खुद नोड जो है वो न्यू नोड का सक्सेसर हो जाता है, इसलिए न्यू नोड का राइट में क्या आ जाएगा, द एड्रेस ऑफ पेरेंट नोड। तो ये अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे जस्ट नोटिस करो कि मैंने क्या चेंजेस किए हुए हैं। अभी 15 का लेफ्ट पॉइंटर देखो क्या अपडेट हो रहा है, तो ये थ्रेड पॉइंट कर रहा है 12 को, जो कि पहले 18 का प्रीडिसेसर था, अभी 15 का प्रीडिसेसर हो गया। और 15 का सक्सेसर कौन हो जाएगा, अब खुद पेरेंट नोड, तो ये उसका कनेक्ट कर लिया। अभी सिर्फ ये कनेक्शन करके फायदा नहीं है, ये दोनों का लिंक भी जनरेट होना चाहिए, क्योंकि ये अभी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है। तो वो अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिफोर इंसर्शन द लेफ्ट पॉइंटर ऑफ अ पेरेंट वॉज अ थ्रेड, बट आफ्टर इंसर्शन इट विल बी अ लिंक। क्योंकि ये 18 को पहले क्या था, थ्रेड था, अभी ये दोनों पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया, तो थ्रेड जो है, थ्रेड फ्लैग वो आपको अपडेट करना होगा। तो एल थ्रेड क्या हो जाएगा, एल थ्रेड पहले थ्रेड था इसलिए ट्रू था, पर अभी चाइल्ड अटैच हो रहा है इसलिए वो फॉल्स हो गया, और पेरेंट के लेफ्ट में हमें न्यू नोड का एड्रेस दे देना है। एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट ये 18 और 15 एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अभी चलो देखते हैं कि नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला केस, अटैच अ न्यू नोड एज अ राइट चाइल्ड। वही सारी चीजें हमें फिर से करनी है, राइट चाइल्ड अटैच करना है, इसके लिए हमें थ्रेड्स पॉइंटर अपडेट करने होंगे, फ्लैग्स अपडेट करने होंगे, हमें सोचना होगा कि इन ऑर्डर प्रीडिसेसर इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है। तो चलो देखते हैं कि अगर हमें नया नोड एज अ 20 अटैच करना है इस बाइनरी सर्च ट्री, जो थ्रेडेड बाइनरी ट्री है उसमें, तो हमें क्या करना होगा। आप जरा थोड़ा सा सोच लो कि 20 अगर मुझे इंसर्ट करना है तो वो कहाँ पे इंसर्ट होगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 18 जो कनेक्ट होगा वो, सॉरी 20 जो कनेक्ट होगा वो 18 के राइट चाइल्ड को कनेक्ट होगा, और वही केस हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पे मैंने 20 रख लिया। अभी 20 में यहाँ पे रखने के बाद हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 18 का राइट चाइल्ड 20 मुझे अटैच करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज इट्स सेल्फ इज अ इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। क्योंकि हमें पता है अगर मुझे ये इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है तो क्या होगा, 2, 12, 18, उसके बाद 20 और फिर 25, तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या है, पेरेंट नोड इट्सेल्फ, राइट। तो अभी इन ऑर्डर प्रीडिसेसर के बारे में हम सोचते हैं, और उसके बाद नोड विच वॉज द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ अ पेरेंट, पेरेंट का सक्सेस इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, 25, राइट। तो वही न्यू नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर हो जाएगा। तो चलो ये सारी चीजें हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। न्यू नोड का लेफ्ट क्या हो गया, पेरेंट नोड, जो थ्रेड वो आ जाता है वो पेरेंट नोड, और न्यू नोड का राइट क्या होता है, पेरेंट का राइट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये अपडेट कर लिया, 20 का लेफ्ट पॉइंटर जो है वो उसके पेरेंट को आ जाएगा थ्रेड, और ये जो 18 का था वो हम रिमूव कर लेंगे और वो लगा लेंगे हम 20 को। तो ये आ गया, अभी ये 20 को कनेक्ट हो गया, 20 से हमने 25 तक थ्रेड बना लिया। पर क्या इस लिंक का अटैच होना जरूरी है, हाँ जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 18 पेरेंट नोड है, 20 उसका राइट चाइल्ड नोड है। तो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, लेफ्ट चाइल्ड अटैच करने के लिए, जबकि हम 18 का लेफ्ट चाइल्ड अटैच कर रहे थे, तो 18 का लेफ्ट थ्रेड जो हमने चेंज किया लेफ्ट एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में, तो थ्रेड वाला फ्लैग मैंने ट्रू में से फॉल्स किया था। कुछ इसी तरह हमें 18 का राइट थ्रेड वाला फ्लैग हमें ट्रू में से फॉल्स करना है, क्योंकि पहले उसमें 25 का थ्रेड था पर वो निकाल के हमने 18 को राइट चाइल्ड लगा लिया है, जो कि अभी 20 है। तो यही मैंने सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की है, बिफोर इंसर्शन द राइट पॉइंटर ऑफ अ पेरेंट वॉज अ थ्रेड, क्योंकि 18 में 25 का एड्रेस था, पर अभी
नया नोड इंसर्ट करने के बाद लिंक विल बी पॉइंटिंग टू द न्यू नोड, तो वो न्यू नोड को पॉइंट करेगा, मतलब कि ये पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप डेवलप करेगा। तो ये डेवलप करने के बाद जो आर थ्रेड वाला बूलियन वेरिएबल है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें थ्रेड एग्जिस्ट है ही नहीं, वो चाइल्ड नोड को अटैच कर रहा है, इसलिए वो फॉल्स हो गया और वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे वो डेवलप करेगा। पेरेंट के राइट को हमने न्यू नोड को असाइन कर लिया, इसका मतलब कि ये राइट चाइल्ड उसने अटैच कर लिया। इस वीडियो में हम फोकस करते हैं डिस्प्ले ऑपरेशन। अगर आपको ये डिस्प्ले और द ट्रैवर्सल ऑपरेशन ऑन बाइनरी ट्री पे पता है, तो आपको पता होगा कि बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एक्सप्रेशन ट्री, वॉट एवर इट में भी, वो ट्रैवर्स करने के लिए आपको स्टैक की जरूरत होती है। स्टैक हमें क्या मदद करता है? अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च पे ट्रैवर्स करना है तो स्टैक हमें प्रीवियस लेवल पे रिटर्न बैक आने के लिए मदद करता है। पर यहाँ पे यही एडवांटेज है थ्रेडेड बाइनरी ट्री का, विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर इजीली हम ट्रैवर्स और द डिस्प्ले ऑपरेशन ऑन थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये ट्री मेरे पास अवेलेबल है जो कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री है, और उस पे ये फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री है जिसके लेफ्ट पॉइंटर्स और राइट पॉइंटर्स जो कि नल है वो सारे रिप्लेस किए हुए हैं इन ऑर्डर प्रीडेसेसर एंड इन ऑर्डर सक्सेसर से रिस्पेक्टिवली। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ट्रैवर्सल के लिए। अभी मैं ये ट्री को इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें रूट नोड से हमेशा स्टार्ट करना होता है। हेडर से हम रूट नोड को मूव होंगे और रूट नोड को ट्रैवर्स करने के लिए, मतलब कि ये ट्री ट्रैवर्स करने के लिए हमें रूट नोड से स्टार्ट करना है। तो 25 मैंने ट्रैवर्स कर लिया, मतलब कि मैंने अभी ये 25 पे, मैं अभी रूट नोड पे हूँ। उसके बाद हमें चेक करना है 25 को लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, तो हमें स्टेप डाउन होना है 25 के लेफ्ट चाइल्ड को, वो हो गया 12। 12 को हमें देखना है लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, है 12 को लेफ्ट चाइल्ड है, तो वो उस पर भी हमें स्टेप डाउन करना है, वो है 2। अभी 2 का लेफ्ट चाइल्ड हमें चेक करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 2 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, क्योंकि ये थ्रेड है वो हेडर को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है आपके ट्री का, तो हमें उसे प्रोसेस कर लेना है। अभी प्रोसेस करना है मतलब कि हमें उसे डिस्प्ले कर लेना है, तो यहाँ पे मैंने उसको डिस्प्ले कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, अभी नेक्स्ट नोड को जाना है, हमें प्रीवियस लेवल पे जाना है। यही प्रीवियस लेवल को जाने के लिए, अगर ये सिंपल बाइनरी ट्री था, बाइनरी सर्च ट्री था और एन एक्सप्रेशन ट्री था, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्टैक यूज करना होता है। उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने इन ऑर्डर सक्सेसर, दैट इज अ पेरेंट नोड विच इज प्रेजेंट ऑन अ प्रीवियस लेवल, उसका एड्रेस हमने ऑलरेडी नल पॉइंटर से रिप्लेस किया हुआ है। और यही बेनिफिट है, यही एडवांटेज है थ्रेडेड बाइनरी ट्री का, कि इजीली हम प्रीवियस लेवल पे मूव हो सकते हैं। तो ये थ्रेड यूज करके हम, आप देख सकते हो, ये थ्रेड यूज करके हम उसके रूट नोड और उसके पेरेंट नोड पे आ गए 12, और उसको हमने प्रोसेस कर लिया। क्योंकि इन ऑर्डर, इसका मतलब है पहले लेफ्ट चाइल्ड, देन अ रूट नोड, देन अ राइट चाइल्ड। तो ये 12 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया, खुद रूट नोड हो गया, अभी राइट चाइल्ड को हमें मूव करना है। तो हमें चेक करना है कि राइट चाइल्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो है राइट चाइल्ड प्रेजेंट है, तो हमें राइट चाइल्ड को स्टेप डाउन करके उसको खुद को रूट नोड बना लेना है। उसको खुद को रूट नोड बनाने के बाद उसका लेफ्ट पॉइंटर हमें चेक करना है, वो चाइल्ड है या थ्रेड है। तो ये चाइल्ड है। अभी आपको ये कहाँ से पता चलेगा, तो ये आपको पता चलेगा एल थ्रेड फ्लैग वेरिएबल से। एल थ्रेड फ्लैग वेरिएबल अगर ट्रू है तो वो होता है थ्रेड, अगर वो फॉल्स है तो वो होता है लेफ्ट चाइल्ड। यहाँ पे मुझे आप बताओ कि 18 के लेफ्ट थ्रेड फ्लैग में क्या होगा, ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू या एब्सोल्युटली करेक्ट? इसमें वैल्यू फॉल्स होगी, क्योंकि 18 को लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है। अगर लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है तो हमें उसको स्टेप डाउन करना है और 15 को मूव होना है। तो स्टेप डाउन करके अभी मैं 15 पे आ गई हूँ। अभी 15 को आने के बाद 15 का एल थ्रेड फ्लैग हम चेक करेंगे, जो कि यहाँ पे ट्रू है।
ट्रू मतलब कि थ्रेड है जो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को जाता है. अभी हमें इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को तो जाना नहीं है, हमें इन ऑर्डर सक्सेसर चेक करना है. उससे पहले हमें 15 को प्रोसेस करना है, तो चलो 15 को प्रोसेस कर लेते हैं. और राइट चाइल्ड हमें चेक करना है, 15 का राइट चाइल्ड वो थ्रेड है या चाइल्ड है, वो हमें आर थ्रेड फ्लैग वेरिएबल से हमें वो चेक करना है. अभी इस एग्जाम्पल के लिए 15 का आर थ्रेड फ्लैग जो है वो ट्रू है, इसका मतलब उसमें इन ऑर्डर सक्सेसर का एड्रेस है. तो यही फ्लैग यूज करके, यही थ्रेड यूज करके हम 18 को मूव होंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 18 को मूव हो लिया है और मैंने 18 को प्रोसेस भी कर लिया है. अभी 18 का राइट चाइल्ड मुझे चेक करना है, चाइल्ड है या थ्रेड है, तो वो होता है थ्रेड, क्योंकि मेरा आर थ्रेड फ्लैग जो है वो फॉल्स है. इसका मतलब कि राइट चाइल्ड अवेलेबल है, उसके लिए मुझे स्टेप डाउन होके उस चाइल्ड पे मूव होना है. अभी उसका लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है या नहीं, वो प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उसमें थ्रेड की वैल्यू है. तो लेट्स चेक फॉर सॉरी लेट्स प्रोसेस इट, एंड उसके बाद हमें चेक करना है आर थ्रेड और आर चाइल्ड. राइट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए राइट थ्रेड से हमें उसके इन ऑर्डर सक्सेसर को मूव होना है, जो कि है 25. 25 को हमने प्रोसेस कर लिया, 25 को राइट चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड को हमने स्टेप डाउन कर लिया. लेफ्ट चाइल्ड 27 को लेफ्ट पॉइंट, राइट चाइल्ड 27 को लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए खुद को उसको प्रोसेस कर लिया और उसको उसका राइट चाइल्ड चेक किया जो कि नहीं है, और वो है राइट थ्रेड जो कि पॉइंट कर रहा है हेडर नोड को. और अगर वो हेडर नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब कि वो लास्ट नोड है इस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का. इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे और हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कंप्लीट हो चुका है. आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हमने कहाँ पे भी स्टैक यूज नहीं किया है, हमने इन ऑर्डर सक्सेसर का थ्रेड यूज करके इजीली हमने यहाँ पे ट्रैवर्स कर लिया है. आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया है. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो और उसके कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए. सब्सक्रिप्शन लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो का शॉर्टकट लिंक और पूरा वीडियो सीरीज भी आपके लिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ. थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग. थैंक यू.